कारपेंटर का काम करता हूँ और गरीब बस्ती बेचारे ठेले चलाने वाले सारे मेहनत मजदूर वाले, और आपके जो बारिश का पानी पड़ा इतनी तेज़ी से ताजी वो कि मेरी 50 साल की लाइफ है, इस लाइफ के अंदर मैंने इतना पानी नहीं देखा। नदी से घूम के इधर से क्रॉस हुआ वो, और किसी के घर में 4 फुट पानी, किसी के घर में 6 फुट पानी, इस तरह से। और जब बारिश होती है कैसा माहौल होता है? माहौल ऐसा होता है मकान छोड़ कर फिर यहाँ से कहीं दूर जा भाग। नमस्कार सिटी में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ काशिप सुल्तान। मेरे कैमरामैन मोनिश ने जो तस्वीरें आपको अभी दिखाई हैं वो हैं रुड़की के इस्लाम नगर मोहल्ला की, जो कि नगर निगम के अंतर्गत आता है। यहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी है और मेरे साथ मौजूद लोगों को आप देख सकते हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, जो कि पिछले साल की बारिश को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। इनके घरों में पानी भर चुका था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बरसात का मौसम फिर से नज़दीक आ गया है, लेकिन लगभग 1 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक पानी निकासी की कोई सही व्यवस्था हो नहीं पाई है। आज जब हमारी टीम यहां पर इस चीज का सर्वे कर रही थी तो ये लोग हमें मिले और इन्होंने बताई अपनी परेशानियां, किस तरह से इन्हें पिछले साल परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और किस तरह से इन लोगों के, क्योंकि पूरा 1 साल गुजर चुका, नगर निगम ने कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई कि यहाँ पानी ना भरे लोगों के घरों में। सबसे पहले हम शकील भाई से बात करेंगे जो कि एक समाज सेवी हैं, और जब पिछले साल यहाँ पानी भरा था इन्होंने लोगों की मदद भी की थी, कई सारे काम इन्होंने यहाँ किए और अभी नगर निगम को लेकर भी ये लगातार पत्राचार कर रहे हैं कि ये पानी की व्यवस्था निकासी की दुरुस्त कराई जा सके। शकील भाई आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। तो ये जो यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे आपके साथ हमारे साथ खड़े हैं, सबकी दिक्कत क्या है ये? देखिए काशिप भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ की समस्याओं को रूबरू किया। यहाँ आपने देख लिया होगा कि सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। यहाँ पर पानी निकासी में आपने देखा होगा पिछले साल जब बरसात आई थी तो पानी निकासी ना होने के कारण सबके घरों में 3-3, 4-4 फीट पानी था और सभी का इतना नुकसान हुआ था, वो सब ऑन रिकॉर्ड नगर निगम में मौजूद है, क्योंकि हमने बना के दिया था कि इतना नुकसान है, इतना कोई मुआवजा नहीं मिला था उन्हें, कोई किस तरह की सुविधा नहीं थी। और उसके बावजूद अब जबकि मानसून 2-4 दिन में 10 दिन में आने वाला है, सब आदमी फिर भयभीत है दोबारा से कि अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार घरों से निकलना भारी हो गया था। छोटे छोटे बच्चे जो घरों में फंस गए थे, जो बीमार फंस गए थे, उनके खाने दवाई की व्यवस्था ट्रैक्टर द्वारा कराई गई थी, तो वो फिर दोबारा से उसी जगह खड़े हुए हैं और भयभीत हैं लोग। 1 साल होने जा रहा है इस सारी मामले को, क्या नगर निगम की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, या जैसे देखा जा रहा है यहाँ गंदगी इकट्ठी हो गई प्लॉट में, इसको लेकर कुछ कराया गया? बिल्कुल, हमने जो है ना MNA से इसमें कई बार, मैं MNA से मिले, मेयर से मिले, गौरव गोयल मेयर थे उस टाइम, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम पानी निकासी का जल्द से जल्द पानी निकासी कराएंगे, लेकिन कोई पानी निकासी की व्यवस्था नहीं करा पाई। मैं आपको बता दूं बराबर में जब बहुत ज़्यादा आंदोलन करना पड़ा तो एक नाले की व्यवस्था कराई गई, एक नाला जो आगे चल के बड़े नाले में डलता है वो करा दी, लेकिन उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 8 महीने में एक छोटा सा नाला 150 मीटर का बन के तैयार हुआ और वो भी अनबना है, क्योंकि उसमें पानी की कोई निकासी नहीं हुई, कोई क्रॉसिंग उस नाले में नहीं डाली गई है। ये मतलब मुझे आप ये बताएं कि
जो पानी जाएगा इस नाले के थ्रू, इस 1.5 फीट चौड़े नाले के थ्रू बड़े नाले में जाएगा, तो इससे तो निकासी हो जाएगी पानी की। लेकिन की नहीं ना उन्होंने यहाँ जाके बंद रास्ते पे इन्होंने बंद कर दिया। अगर ये बड़े नाले से, इस वाले नाले से टच होगी तो तब जाके कुछ पानी यहाँ से निकल पाएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो पानी चल रहा है वो दूसरी साइड चल रहा है और नाला गलत साइड बना दिया गया। हमने इसकी भी आपत्ति जो MNA साहब को की थी कि नाला गलत साइड में है, नाला एक साइड में बनना चाहिए। पहले से ही यहाँ पर एक नाला 1.5 फीट का बनता हुआ रहा था और हमने कहा था कि यही नाला आगे चल के नाले में डलना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है ना दूसरी साइड में नाला बनवाया गया। वो मैं नहीं जानता यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा करा गया है, टेंडर कैसे पास कराया गया है, जबकि हमने बार बार लिख के किया है कि जो नाला पहले से बन के आ रहा है वही नाला आगे चल के नाले में डलना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने इस तरह से नहीं बनाया। पिछले 8 महीने से काम चलता रहा, बार बार तीन ठेकेदार यहाँ से भाग गए हैं। आपने हालत देखी, सरी अभी तक मौजूद है उन्हें झुके तू, और इसमें क्रॉसिंग की नाली नहीं डाली है। अभी आप देखिए 9 इंच ये जो पानी है 9 इंच की नाली है जो पूरे इस्लाम नगर को कवर कर रही है। अच्छा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो नहीं इस चीज़ की देख रेख करते, नाला बन रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सफाई व्यवस्था? देखो उन्होंने आज तक आके नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने दो पार्ट कर रखे हैं यहाँ वार्ड के भी। जो नाले से उधर है वो अपना वार्ड मानते हैं, इधर वालों को वार्ड नहीं मानते। वो अपने वार्ड को वार्ड नहीं मानते, कह रहे मैं तो अपनी साइड में काम कराऊंगा, इधर मैं काम नहीं कराने का। इधर जो है ना लोगों को मैंने पैसे दे के खरीदा था। अच्छा, मतलब ये खरीदा था, मानसिकता है बिल्कुल की ये मानसिकता है। इसलिए कभी उन्होंने कहा अगर वो चाहते तो नाला एक साइड में होता और इसकी सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था होती। आप जो पीछे अली मस्जिद पे पानी भरा हुआ है, शायद वो पानी ना भरता वहाँ भी साफ सफाई हो जाती। अच्छा, ये जो लोग आपके साथ मौजूद हैं सब, क्या इन सब लोगों के घरों में पानी भरा था? बिल्कुल, आप बात करके देख लीजिए, सबके घरों में, सब यहीं के बाशिंदे हैं सबके घरों में, और सब परेशान हैं। आपसे आज एक उम्मीद जगी है कि शायद हमारी समस्या कहीं मेयर पे या विधायक पे पहुंचेगी तो इसका समाधान हो पाए, कहीं पानी निकासी की समस्या का समाधान हो सके। और हमने इसकी वीडियो बना के भी डाली थी। अच्छा जी, और मेयर को भी, गौर को, इसको जो ये क्या नाम यहाँ का पार्षद है, उनको भी दिखाई थी, उनको दी भी थी है, और शकील भाई को भी दी थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं पाई हमारे यहाँ भी। जी नहीं, उसका कोई ना कुछ। हाँ जी, यहाँ पानी था, यहाँ भी हाँ घर में भी चला गया था पानी थोड़ा सा, हाँ, तो इसलिए ये निकासी नहीं है सही, इसे सही होनी चाहिए निकासी। जैसा ये नाला इंग बना दिया तो इसमें दिक्कत परेशानी नहीं हो रही ना फिलहाल। हाँ जी, हमारे यहाँ भी पानी भरा जी, अब भी नाला फूटा हुआ है, उसकी वजह से पानी में बहुत दिक्कत आ रही है। जी जी, बगैर बरसात के नाली हटी पड़ी है, मेयर पार्षद आता ही नहीं, कई बार बुलाने के बावजूद वो जगबाजी करके चला जाता है यहाँ से। आपकी दुकान होती है आगे? हाँ, दुकान है आगे, दुकान में भी मकान में भी दोनों में पानी आया था। आज भी वीडियो है मेरे पास बनी हुई। अच्छा। हाँ, मैंने वीडियो कर रखी है, लेकिन अभी तक, अब फिक्र अभी से चढ़ना शुरू हो गया कि अब बारिश शुरू है और कोई अभी तक सुविधा हो ही नहीं कोई ऐसी कि क्या करा जा, ना क्रॉसिंग हुई ना जो बनी हुई है नाला, तो अभी इसमें ऐसे ही पानी पड़ा और मच्छर से इसमें इतना मच्छर हुआ पड़ा, पानी रुका पड़ा। आप देखिए, आपने बनाई होगी वीडियो, पानी नहीं चल रहा, इतना मच्छर है और बहुत बस परेशानी हो रही है। भाई साहब, आपका मदरसा होता है? जी जी, मदरसा होता है, बच्चे बड़े गिरते हैं और परेशान होते हैं, बच्चे आने बंद भी हो जाते हैं पानी की वजह से। अच्छा, पिछले साल पानी आया था बहुत ज़्यादा, मदरसे में भी तकरीबन 2 फीट पानी था, सब कमरों में पानी था, बड़ा नुकसान हुआ बच्चों का भी, बच्चों का जो खाने का राशन है उसका बड़ा नुकसान हुआ था जी। अभी क्या लग रहा है? अभी भी दहशत हो रही है कि आगे भी ऐसा होने वाला है, अभी तक कोई समाधान नहीं हुई है, इसका कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है, यही डर है कि आगे आने वाले साल में बरसात में भी यही परेशानी हमारे सामने आएगी। अजी, यहाँ बहुत गंदगी हो रही है, बीमार है रहे, मच्छर बहुत बड़े बड़े हो रहे, काले काले मच्छर हो, पानी भर रहा है, एक प्लॉट में इतना पानी भर रहा है, अगर बच्चा गिर जाए तो डूब जाएगा, बहुत पानी भर रहा था। अजी, ये 2-2 फुट पानी था घरों में, यहाँ हाँ जी 2-2 फुट पानी था, रात 2 दिन तक है निकला नहीं। यहाँ जो पानी आता है कहाँ से कहाँ तक? काशिफ भाई, ये देखिए पानी बरसात का है, वैसे तो सब तरफ से पानी आता है, ये काफ़ी लंबा है, रोकथाम नहीं कर पाए हैं। मेन क्या है कि अगर मुख्य नाले को सफाई बरसात से पहले हो जाए तो यहाँ पानी नहीं आने का, क्योंकि जो नाला रामपुर चुंगी से होके और ये आपका सपना वाली पुलिया पे गिर रहा है वो बिल्कुल अटा हुआ है। मेन क्या कि मुख्य नाला साफ होना चाहिए, देख चुके बिल्कुल ब्लॉक है। हाँ, तो उसकी कारण से ही यहाँ पर है, जब उसमें पानी नहीं जाएगा तो वो गलियों में से पानी होता हुआ लोगों के घर में घुसेगा, घर में घुसने के बाद वो नदी में जाएगा, क्योंकि नदी पास में है, नाला पास में है, इतना होने के बावजूद भी दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों के घर में पानी भरता है। जी, हमारे घर में पानी आया था और बहुत परेशान थे सब, कई बच्चे डूब भी गए थे। और अभी क्या लग रहा है? अब भी आने के लिए डर लग रहा है कि पीछे दर्दी चढ़ के तो फिर पानी आएगा। अच्छा, जी नुकसान हो जाएगा। जी,
फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये इतना बड़ा काम हो गया है और क्रॉसिंग का नाम ही नहीं है। इतना बड़ा बिल्कुल भरता है, दो दो तीन तीन फिर पहले ही पानी भरा है यहाँ पर और फिर दोबारा से पानी भरेगा। पता नहीं इसमें क्रॉसिंग में किसको आपत्ति है, क्यों नहीं हो पा रही है, और अगर ये क्रॉसिंग ना हुई तो मजबूरन हम सब लोगों को मिलकर खुद करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ना करी तो हम खुद कर देंगे इसको। जी कारपेंटर का काम करता हूँ और गरीब बस्ती बेचारे ठेली चलाने वाले सारे मेहनत मजदूर वाले, और अब के जो बारिश का पानी पड़ा इतनी तेज़ी से ताजी वो कि मेरी 50 साल की लाइफ है, इस लाइफ के अंदर मैंने इतना पानी नहीं देखा। नदी से घूम के इधर से क्रॉस हुआ वो, और किसी के घर में 4 फुट पानी, किसी के घर में 6 फुट पानी, इस तरह से 5 तो था ही कम से कम। लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ, इस बारे में सरकार को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। गरीब बस्ती और इससे ज़्यादा बस कुछ नहीं कह सकता जी मैं। अभी बारिश आने वाली है, ये सड़क बनी इन्होंने, इसका नाला इससे रिलेटेड नहीं किया, बराबर से क्रॉस नहीं किया, तो सारा पानी प्लॉट में जमा हो जा, और मच्छर इतने के बच्चे जरा जरा से नन्ने नन्ने मासूम डेंगू का खतरनाक मच्छर है, जिसके काट ले खाने के तो पैसे नहीं बेचारे, डॉक्टर के कैसे नहीं बेचारे, गरीब मजदूर आदमी। तो इसका प्रॉब्लम हमारी तो ये साहब, हमारे सफाई सी हो जाए वहाँ, पानी अब भी गोड्डो गोड्डो भर रहा है, अब भी जाके देख लो। अच्छा, और वहाँ साफ सरिंडे बच्चे छोटे छोटे किसी का काट ले तो हम कहाँ जाएँ, साफ निकल रहे हैं मकानों में बढ़ जाए, वो जब घास में फिर बढ़ जाए अंदर, नाली की सुविधा नहीं, कोई रास्ते की सड़क की नहीं, लाइट की नहीं, कहीं की भी नहीं, वहाँ बताओ क्या। और जब बारिश होती है कैसा माहौल होता है? माहौल ऐसा होता है मकान छोड़ कर फिर यहाँ से कहीं दूर जाओ भाग, पानी भर जाता है, पानी भर जाए मकानों में, जब पानी भर गया, जो हमारे 2 किलो 2 किलो आटा लाऊँ वो पानी में अपना तिर के चला जाके बच्चे फिर तेरे मेरे जहाँ, फिर ये बांटते फिर लोग रोटी आटी, फिर उसमें पेट भर कर अपना टाइम पूरा करें, बताओ क्या करें। मजदूर आदमी आज मजदूरी कल की लगी कल को ना लगी, कहाँ जाएंगे हम, छोटे छोटे बच्चे बताओ।